मौसमी, क्या क्या आज डेलीगेट्स कब से आने शुरू होंगे, क्योंकि बैठकें तो 10:30 बजे से शुरू हो रही हैं। सबसे पहले जो बैठक हो रही है उसका थीम है वन वर्ल्ड वन अर्थ, उसके बाद से शाम में जो होगा उसका एक परिवार वन फैमिली, लेकिन डेलीगेट्स का आना जाना लगा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, लगभग 9:30 बजे से ही आप ले लीजिए तो तमाम डेलीगेट्स का आना शुरू हो जाएगा, और फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद जो ट्री ऑफ लाइफ फॉयर है वहां पे प्रधानमंत्री ग्रीट करेंगे, फोटो अप होगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। पर जब भी आप देखिए कि बीच में रिसेस होगा, फर्स्ट वन फैमिली वाला, वन अर्थ एंड वन फैमिली के बीच में जो सत्र है उसके बीच में जो ब्रेक है, हर बारी जब डेलीगेट्स या देशों के मुखिया अंदर बाहर आएंगे जाएंगे तो वो एक कल्चरल कॉरिडोर से गुजरेंगे, और वहां पे कल्चरल कॉरिडोर में जिस तरह से जो कोर मैसेज है इस पूरे G20 का कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसमें किस तरह से कल्चर यूनाइट्स ऑल, तो वो कल्चर पे बहुत फोकस है, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता से ये कहा गया है कि ये भारत की पहचान है, भारतवासियों की जो है वो पहचान है, और उसी तरह से विश्व भर में जो कल्चर है वो वहां की अपने अपने देशों की पहचान है, और उनकी झलक भी उस कल्चरल कॉरिडोर में देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रांस से, यूएस से, यूके से जो है तरह तरह का सिंबल्स जो है वहां पे नजर आएंगे, चाहे चीन से भी। तो अपने आप में एक जश्न के तौर पे इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन को भारत ने रखा है, और इस बार का G20 सम्मेलन बाकी तमाम 17 G20 सम्मेलन से इसलिए भी जुदा है क्योंकि भारत एक तरफ अपनी संस्कृति और सभ्यता को विश्व के सामने रख रहा है, दूसरी तरफ वो बाकी उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी आवाज नहीं है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहा है, तो भारत बाकी राज्यों की ओर देशों की ओर देख के उनकी पैरवी कर रहा है जो अपनी अपनी आवाज बुलंदी से अभी तक नहीं रख पाए, और लगातार ये कवायद करते रहे कि G20 में उन्हें शामिल किया जाए, और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी थी G20 के मेंबर्स को, तो वो एक बड़ी कामयाबी होगी। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ ब्रिक्स है, एक तरफ तमाम बाकी फोरम है जहां पे चीन बहुत सक्रियता से आगे बढ़ रहा है और एक ऑल्टरनेट फोरम तैयार कर रहा है, ऐसे में G20 का रेलिवेंस, G20 की चुनौतियां सबसे ज्यादा भारत की अध्यक्षता में है। यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर बाली में जो कहा गया, क्या उससे आगे बढ़ेंगे या वहीं तक रुक जाएंगे, जिक्र होगा नहीं होगा, इसको लेके लगातार जो चीन का रवैया है वो रोड़ा बना हुआ है, और इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती इस बार है G20 में कि क्या विश्व आगे की ओर देखेगा या युद्ध की उलझनों में उलझा रहेगा, ये चुनौती भारत लगे हाथों बिल्कुल डायरेक्ट चैलेंज लिए हुआ है। तो अलग अलग पहलू है, इसके सांस्कृतिक पहलू भी है जो आप यहाँ पे क्राफ्ट बाजार में देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में अशोक सिंघल है, वहां पे आप देखिए कि अभी यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है पूरे विश्व भर से यहाँ पे पहुंच रही है और भारत की ये झलकियां देख रही है, और थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे वो मेन कोर एरिया है भारत मंडपम का, मतलब महज आप कह लीजिए अंजना 200 मीटर की दूरी है जहां पे सारे डेलीगेट्स का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो और आपको भी बता दूं, इसमें मैं अहम बात ये भी है कि जो स्पाउसेस है या परिवार के लोग हैं, स्पाउसेस आए होंगे विश्व के मुखियाओं के, तो उनके लिए अलग कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे, चाहे वो जौ बाजरा के खेत हो पूसा इंस्टीट्यूट में देखने के लिए या फिर जयपुर हाउस में उनका खास तौर से लंच रखा गया है, और रात्रि भोज तो है ही है राष्ट्रपति भवन में। तो आप देखिए कि किस मेटिकुलस प्लानिंग से इस पूरे G20 के शिखर सम्मेलन को ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया गया, और यही वजह है कि भारतवासियों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है।